हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेबसाइट के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट इज वेब पेज तो वेब पेज क्या है देखिए अ वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट आप अगर डॉक्यूमेंट कहेंगे दैट इज रॉन्ग आप अगर डिजिटल वर्ड के यूज करेंगे दैट इज द प्रोमिनेंट आंसर अ वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक टू वर्ल्ड वाइड वेब एंड दैट कैन बी व्यूड बाई एनी वन कोई भी यूजर इसको देख सकता है कौन देख सकता है वन हु कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैविंग वेब ब्राउजर इंटरनेट से कनेक्शन होना चाहिए और एक वेब ब्राउजर होना चाहिए तभी क्या कर सकते हैं आप वेब पेज को देख सकते हैं तो प्रोमिनेंट आंसर क्या है डिजिटल डॉक्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट ठीक है नेक्स्ट क्या है इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है सच एज टेक्स्ट कलर ग्राफिक्स एनिमेशंस वीडियोस ऑडियोस तो यहां पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं वीडियोस भी देख सकते हैं कि वेब पेज के ऊपर में वीडियोस है कभी कभार आप साउंड भी देख सकते हैं टेक्स्ट देख सकते हैं ग्राफिक्स देख सकते हैं कलर देख सकते हैं एनिमेशन देख सकते हैं तो ये सब कंटेन करता है एक वेब पेज अगर बात करेंगे कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है तो इट इज रिटेन इन एच टी एम एल दैट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं आप कोई किसी भी वेब पेज को क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं कैन डिजाइन डिजाइन द वेब पेज ठीक है हेटर में क्या होगा फूटर में क्या होगा बॉडी में कैसे डिजाइन करेंगे तो पूरा का पूरा डिजाइन कर सकते हैं वेब पेज का थ्रू एच टी एम एल इट कैन बी एक्सेस बाय एंटरिंग द यू आर एल ऑन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर अब जब भी वेब ब्राउजर ओपन करते हैं ठीक है तो आप देखेंगे कि वेब ब्राउजर के ठीक ऊपर में ये जो वेब ब्राउजर है इसके ठीक ऊपर में देखेंगे एक एड्रेस बार रहता है यहाँ पे आपको यू को टाइप करना पड़ता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एंटरिंग द यू ऑन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर ठीक है आप वेब पेज का अगर अलग अलग पार्ट देखेंगे तो डिवाइडेड टू दैट इज स्टैटिक वेब, वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस तो स्टैटिक वेब पेजेस क्या है देखिए स्टैटिक का मतलब है सेम थिंग आपको दिखाना डायनेबल मतलब चेंजेबल तो यहीं से आपको डिफिनेशन पता चल जाएगा तो स्टैटिक वेब पेजेस क्या है शोज सेम कंटेंट इच टाइम दे आर व्यूड सेम कंटेंट को आपको बार बार शो करेगा कुछ भी चेंजेस उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा वेब पेजेस में दैट कैन बी नोन एज स्टेटिक वेब पेज आप अगर डायनेमिक का बात करेंगे तो डायनेमिक क्या है डिफरेंट कंटेंट इच टाइम देर व्यू पेज को जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे कि कॉन्टेक्ट आस में क्लिक करेंगे तो उसका जो कंटेंट uh, रहेगा और अबाउट आस अगर आप क्लिक करेंगे उसका जो कंटेंट रहेगा वो दोनों अलग रहेगा तो दैट पेजेस आर द डायनेमिक पेजेस ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपेटेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स क्योंकि वेबसाइट के मैंने बताया था वेबसाइट इज ए कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस तो बहुत सारा वेब पेज को अगर आप डेवलप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन वेब पेज क्या है वेब पेज सिंगल एक पेज है सिंगल वेब पेज है डिजिटल डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कम है सिंपल ज्यादा है और इसके लिए आपको लेस टाइम टू डेवलप क्योंकि वेबसाइट में मैंने बताया था वेबसाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस तो वेब पेज को आप डिज़ाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन वेबसाइट uh, को आप डिज़ाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आप सिंगल वेब पेज को डिजाइन करेंगे तो आपको uh, कम टाइम लगेगा तो इट इज इट विल टेकन लेस टाइम टू डेवलप इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर ब्राउजर जब आप ओपन करते हैं ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यू आर एल में कुछ भी टाइप करते हैं जो वेब पेजेस आपको देखने को मिलता है दैट इज द सिंगल डॉक्यूमेंट ठीक है एग्जाम्पल का बात करेंगे कौन सा हमारा वेब पेज है तो देखिए कोई भी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट पेज अबाउट अस पेज ये जो पेज है दैट इज कॉल्ड द वेब पेज सो फ्रेंड्स होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब पेज and what are the types of the web page and how it is written means what language it is uh, written and some features of the web page hope you like the video and if you like the video then don't forget to subscribe my channel like share and comment thank you